जेडीयू का मंथन। जी हां, जेडीयू का मंथन लगातार इस मुद्दे को लेकर चलता है कि अपनी साख को और मजबूत किस तरह से किया जाए। साख यानी जनता दल यूनाइटेड अपनी संगठन को किस तरह से और मजबूत करे ताकि जल्द ही जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय से एक राष्ट्रीय पार्टी बन सके। और इसको लेकर ललन सिंह जो कि जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बहुत सजग हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। एक अचानक से उन्होंने बैठक बुलाई, आनंद फानन में ये बैठक बुलाई गई और ये बैठक पटना के जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में हुई। पटना के जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संगठन को मजबूत करने को लेकर एक बैठक बुलाई। ये बैठक अहम मानी गई जिसमें कई विधायक शामिल हुए पार्टी के। आपको ये भी बता दें कि पार्टी की मजबूती को लेकर सभी विधायकों ने अपने अपने विचारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष से साझा किया। फिलहाल अगर जेडीयू की स्थिति के बारे में बात कर ले तो जनता दल यूनाइटेड बिहार के साथ ही मणिपुर और मणिपुर के साथ ही कई और राज्यों में अपनी साख को बढ़ाने में जुटी है, अपनी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये चाहते हैं कि जल्द ही ये पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, नेशनल पार्टी बनकर उभरे। और उसको लेकर बहुत सारी मेहनतें जो होती हैं वो भी की जा रही है। कार्यकर्ताओं से भी बूथ स्तर तक काम करवाया जा रहा है, विधायकों से भी कई सारे विचार साझा किए गए, विधायकों से वन टू वन बातचीत भी की गई और इस बैठक को बेहद अहम भी माना गया। इस बैठक को लेकर विधायकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि ये बैठक पटना के प्रदेश कार्यालय में, जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में हुई है। कुछ नहीं है कि किसी विशेष परिस्थिति वश इस बैठक को बुलाया गया है, सिर्फ पार्टी को मजबूती कैसे दिया जाए, पार्टी का विकास कैसे किया जाए, मुख्य रूप से मुझे लगता है किसी कारण से बैठक बुलाया जाना लगता नहीं कुछ बड़ा उथल पुथल। नहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो आप लोग का सोच है, मीडिया वालों का सोच है और आप लोग का सोच तो हमेशा सर्वोपरि रहता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कोई शहंशाह नहीं होता है, पार्टी का संरक्षक होता है और पार्टी चलती है सभी विंग के सहयोग से। तो इसलिए पार्टी के विस्तार के लिए पार्टी के जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पार्टी के माननीय विधायक हैं, पार्टी के माननीय सांसद हैं, सबसे राय सलाह लेके पार्टी को चलाया जाता है। पार्टी अगर एकजुट और एकता के साथ चलेगी तो पार्टी मजबूत होती है। और जनता के सेवक बन के हम बूथ स्तर पर हम लोग उतर रहे हैं। वैसे हम पहले से भी हैं इसमें एक्टिव, लेकिन अब हम कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं। और बीजेपी पहली बार अपने सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में करने जा रही है। इस बैठक का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे।